Assalamu alaikum dear students, today is 2nd June and the day is Tuesday. In today's task you have to do your word sentences as written work of chapter number 6 and page 50 of book is for book 1. So I will start from word sentences. First word is discuss. डिस्कस का मीनिंग होता है किसी से कोई चीज़ गुफ्तगू में बहस के दौरान कोई गुफ्तगू करना, किसी का मैटर का सोल्यूशन लेकर आना. तो इसका सेंटेंस है वी शुड डिस्कस द मैटर, हमें मामले पे बात करनी चाहिए. ट्रेनिंग, तरबियत देना. ट्रेनिंग मेक्स अस एन एक्सपर्ट पर्सन. जो तरबियत जो ट्रेनिंग होती है, लाइक अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो ये हम क्या करता है, हमें एक एक्सपर्ट पर्सन माहिर इंसान बनाते हैं ट्रेनिंग की वजह से. सीकिंग का मतलब होता है हासिल करना या तलाश करना. सो इट्स सेंटेंस विल बी सीकिंग नॉलेज इज आवर ऑब्लिगेशन. इनको हासिल करना हमारा फरीजा है. ऑब्वियस का मतलब होता है यकीनन या सर्टेन किसी चीज़ के बारे में आपको श्योर होना. इट इज़ ऑब्वियस इफ वी वर्क हार्ड देन वी विल सक्सीड. ये यकीनन या सर्टेन बात है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम कामयाब होंगे. नेशन, कौम. वी शुड मेक आवर नेशन प्राउड. हमें अपनी कौम को एक जो है प्राउड नेशन बनाना चाहिए. स्मूथली, इन फ्यू डेज ऑल मैटर्स विल गो स्मूथली. कुछ दिनों में तमाम मामला जो हैं बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे. फाइनेंशियल, माली. वी शुड Not praise someone due to financial status. हमें किसी के जो माली status होता है, जैसे कि माल असबाब किसी के पास ज़्यादा है तो उसकी वजह से किसी की तारीफ या किसी से मुतासिर नहीं होना चाहिए. Inspiration, educated women are inspiration to their nation. जो तालीम याफ्ता वुमेंस हैं वो क्या हैं, अपनी नेशन के लिए एक इंस्पायरेशन है, एक मोटिवेशनल पर्सन के तौर पर नज़र आती हैं अपनी नेशन के लिए और ये अपने माशरे में किरदार अदा करती हैं. सो आई टेक स्टार्ट फ्रॉम बुक वर्क ऑफ पेज नंबर 50 एंड इन दिस पार्ट यू विल आस्क, यू विल सी दैट वी विल गेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके ज़रिए हम कोई क्वेश्चनिंग जो है उसको जो है वो सीख रहे होते हैं या उसके बारे में हम लोग पूछ रहे होते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स एंड प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स. जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं लाइक इंटरोगेटिव प्रोनाउंस उनको हम अपनी ब्लैंक्स में यूज़ करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे. जैसे कि फर्स्ट लाइन है Hi Aslam dash are you. So the first blank will be filled with the word how are you. Second hai Aslam I am fine thanks dash are you how are you. Fizan dash did you spend your vacation. Where did you spend your vacation. Kya tumne jo hai apni vacations kahan pe guzari. Aslam oh we went to Mari. Hum Mari gaye. फिजान डैश वॉज द वेदर देयर. वहाँ का मौसम कैसा था. तो इसके बारे में पूछने के लिए हम ब्लैंक को जो है जो वर्ड के साथ फिल करेंगे वो है वर्ड. नेक्स्ट असलम रियली कूल वी इंजॉयड इट. बहुत अच्छा हमने इसको बहुत इंजॉय किया या लुत्फानंदोज़ हुए इस चीज़ से यानी कि वेदर से. फिजान डैश डिड यू डू इन मरी. तुमने क्या किया मरी में. तो इसको वर्ड को फिल करेंगे हम लोग वर्ड डिड यू डू इन मरी. असलम आई लर्न हाउ टू स्विम. मैंने सीखा कि मैंने तैराकी सीखी यानी कि जो तैरना होता है वो सीखा. फिजान डैट्स गुड. बहुत अच्छा. डैश टॉट यू कि तुमने किससे सीखा. तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे हु टॉट यू किसने तुम्हें सिखाया. असलम माय कज़न मेरे कज़न ने ही हैज़ कम फ्रॉम लाहौर जो कि लाहौर से आया है. फिजान डैश इज़ ही गोइंग बैक. वो कब जा रहा है. तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे when he is he going back. वो वापस कब जा रहा है. असलम he will go back to Lahore on 25th May. वो 25 मई को लाहौर वापस जा रहा है. According to 2nd June our next subject is science chapter number 3 life functions. ठीक है जिंदगी के निज़ाम. एंड टुडेज इज यूनिट नंबर 3 वर्ड्स मीनिंग. शॉर्ट क्वेश्चन इज फॉर रिटन वर्ड यानी कि यूनिट नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आपने नीट कॉपीज पे करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्ड्स मीनिंग.
फर्स्ट वर्ड इज प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड होता है तैयार किया. डेंजर खतरा. डिवेलप तरक्की. अडल्ट बालिग या बड़ा. एक्सक्रीट खारिज करना या निकालना. लोकोमोशन मुतहरिक होना यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. नेक्स्ट है हमारा आंसर दिस क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर है चैप्टर नंबर 3 के. व्हाट इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट्स डू बट एनिमल्स कांट डू. आप यहाँ बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज इम्पॉर्टेंट चीज बताएं पौधों के बारे में जो पौधे कर सकते हैं बट जो जानवर हैं वो नहीं कर सकते. ठीक. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट डू. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और एनिमल्स जो है वो ऐसा नहीं कर सकते. उन्हें अपनी खुराक तलाश करने के लिए इधर उधर मूव करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब यहाँ बताया गया है कि एनिमल्स जो होते हैं जानवर वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों हरकत करते हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर. एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव इसलिए करते हैं अपनी खुराक तलाश करने के लिए, पानी के लिए और अपने लिए घर तलाश करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज मॉस्किटो फीड. आप यहाँ पूछ रहे हैं कि मॉस्किटो जो मच्छर होता है वो अपनी खुराक कैसे लेता है. तो मॉस्किटो मॉस्किटो यूजेज अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट. मॉस्किटो जो होता है मच्छर उसके मुंह जो होता है वो तेज धार सुई की तरह होता है. टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स. जो कि वो इस्तेमाल करता है इंसानों और जानवरों का खून चूसने के लिए और वो उसकी एज अ खुराक यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. आप पूछ रहे हैं कि ऐसे पौधे का नाम बताएं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना तैयार नहीं करता. हाउ डज गेट इट्स एनर्जी. आप पूछ रहे हैं कि वो अपनी खुराक या एनर्जी तवनाई कहाँ से लेगा. आंसर इज रेस्टिशिया इज अ प्लांट दैट डज नॉट हैव ग्रीन लीव्स. रेस्टिशिया एक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक तैयार नहीं करता क्योंकि उसके ग्रीन लीव्स नहीं होते. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक तैयार करते हैं ग्रीन पार्ट को यूज़ करके, और जो हमारा रेस्टिशिया है उसका ग्रीन पार्ट नहीं होता इसलिए वो फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार नहीं कर सकता. एंड कैन नॉट मेक इट्स फूड. वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता. इट लीव्स ऑफ द फूड मेड बाय अदर प्लांट्स. ये दूसरे पौधों पर रहता है और उनकी तैयार की हुई खुराक को यूज करता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर एंटीना. Which animals have them and what are they used for? अब यहाँ पूछ रहे हैं कि एंटीना क्या होता है और ये किन एनिमल्स के पास होता है और वो इसको कैसे यूज़ करते हैं. इंसेक्ट हैव एंटीना. जितने भी इंसेक्ट्स हैं हशरात होते हैं उन वो एंटीना रखते हैं विद विच दे कैन सेंस. जिससे वो महसूस करते हैं व्हाट इज अराउंड देम कि उनके इर्द गिर्द क्या है. फ्लाइज फ्लाई अबव द फूड. एंटीना की मदद से जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो खुराक के ऊपर उड़ सकती हैं. And this is your today's lecture of science. Hope you all get the points. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.